So hello guys, welcome or welcome back to Fashion Express. So today's video is going to be very important and ye important topic hai hum Indian women's like hum Indian married women's ki like the most important cheez hamari life mein sabse zyada important kya hota hai. Yes my smart ladies, you guessed it right. Hamari life ki sabse zyada important cheez hoti hai ek chutki sindoor. Because ki sindoor ki kimat tum kya jano Ramesh babu, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर. पुष्पा, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर. हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर. सो वेल, आज हम बात करने वाले हैं उसी एक चुटकी सिंदूर की. मैं अपनी हर चीजों में लाइक आई एम वेरी फजी अबाउट माई थिंग्स कि मैं कौन से ब्रांड का लूँ, कौन सा यूज़ करूँ, कौन सा बेटर होगा, किस में केमिकल है. तो ये सारे क्वेश्चंस यू नो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आई वाज लाइक कि चलो हाँ ये वाला लेते हैं. तो मैंने जो सिंदूर परचेज़ किया है वो उसका रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. बट फर्स्टली लेट मी टेल यू कि ये कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं है और ये किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है. दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस और इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी मैं इसको एक्सपीरियंस करने वाली हूँ. तो ये प्रोडक्ट जैसा भी होगा यू नो इसके आफ्टर यूज़ रिव्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली. सो हियर इज़ दिस व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू ऑल, विच इज़ दिस कलर बार का रेड वाला सिंदूर. एज़ यू कैन सी इसमें मेरा शेड है 001 माई रेड शेड. एंड अभी तक मैंने इसको अनपैक भी नहीं किया है, अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं लिंक में दे दूंगी इसका. इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था एंड इसकी अनबॉक्सिंग का भी वीडियो मैंने बनाया था. सो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक कि ये कैसे आया था. ज़रूरी होता है ना ये सब चीज़ें भी देखना, लाइक जो भी चीज़ें हम मंगाते हैं उसकी पैकिंग कैसे आती है, वो किस तरह से हमें दिया जाता है. सो इट्स ऑल यू नो एसेंशियल वाली चीज़ें. एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है वो तो हम धीरे धीरे समझते ही रहेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि ये 3.8 ml के कलर बार के सिंदूर की कीमत क्या है. सो इसकी कीमत है अराउंड 133 rupees. एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द अनपैकिंग ऑफ दिस. तो आप लोगों के सामने ही ओपन करती हूँ. सो हियर इज दिस. ओके सो एज यू कैन सी मैंने इसको ओपन कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, लाइक ये वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं, इसका शेड क्या है, हाउ इट लुक्स एंड एवरीथिंग मैं आपको शेयर करूँगी. बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि लाइक हम सिंदूर क्यों लगाते हैं. सोचने वाली बात है ना, लाइक हम रोज़ ये काम करते हैं बट हमें पता ही नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है. मैं जब अपने लिए प्रोडक्ट सर्च कर रही थी देन आई वाज लाइक कि मैं प्रॉपर रिसर्च करूँगी कि कौन सा, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है. पीपल अराउंड मी आर लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, ले लेना यार ये रेड कलर, सब लाल ही तो होता है, हमें बस लगाने से मतलब है. एंड आई वाज लाइक कि नो, लगाने से मतलब नहीं होता है. जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो जेन्युइन होना चाहिए और हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमें सूट करना चाहिए, हमारे पॉकेट को सूट करना चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने परचेज़ किया था ये कलर बार का सिंदूर. इतनी सारी रिसर्च करने के बाद आई वाज लाइक काफ़ी चीज़ें मुझे इसके बारे में जानने को मिली. सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है. लाइक दिस इज़ नॉट ओनली अ हॉल वीडियो, दिस इज़ ऑल्सो एन इंफॉर्मेशनल वीडियो. तो इसमें इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी जाए. ओके, सो बेसिकली सिंदूर इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्टली इज़ द नेचुरल सिंदूर दैट वी गेट फ्रॉम अ ट्री. नेम इज़ बिक्सा और एलेना करके कुछ नाम है, जो भी एग्जैक्ट नेम है आई विल मेंशन इट ऑन द स्क्रीन. एंड वो जब बड़ा हो जाता है उसमें से सीड्स निकलते हैं छोटे छोटे, और वो सीड्स जब राइप हो जाते हैं तो इट फॉर्म्स अ रेड कलर का एक्सट्रैक्ट निकलता है और वही हम नेचुरली यूज़ करते हैं एज सिंदूर. बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है, कोई भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा नेचुरल होता है. सेकेंड होता है जो बंगाली लोग सिंदूर बनाते हैं. एवर थॉट कि वाई इज़ दैट कोलकाता का सिंदूर सो वेरी फेमस. लोग ऑफन क्यों कहते हैं कि लाइक कोलकाता से सिंदूर मंगाओ. बंगाली लोग जो होते हैं इसको बनाते हैं यूजिंग दैट लाइम जूस, एलम और हल्दी का पाउडर.
नेचुरल हल्दी के पाउडर में वो लोग लाइम जूस मिलाते हैं, थोड़ा सा फिटकरी मिलाते हैं एंड देन दे ड्राई दिस प्रोडक्ट. उसको वो सुखाने के बाद दैट हल्दी, नेचुरली हल्दी इज़ येलो इन कलर, सो दैट येलो कलर का हल्दी टर्न्स इनटू रेड कलर एंड दैट प्रोडक्ट दे यूज़ इट एज सिंदूर. तो उसको वो सिंदूर की तरह यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट नेचुरल. फिटकरी भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड हल्दी भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. सो दैट इज़ वाई दैट सिंदूर इज़ वेरी फेमस, बिकॉज वो हमारी स्किन को कभी भी हार्म नहीं करता है. तो जो थर्ड टाइप का सिंदूर होता है दैट इज़ बेसिकली सिनेबर. वो बनता है मर्करी सल्फाइड से और ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होता है. इट्स एक्चुअली डिराइव फ्रॉम चाइना. फर्स्टली चाइना ने ही इसे बनाया था, बट ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और अब तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा है. बट दिस प्रोडक्ट इज़ क्वाइट टॉक्सिक फॉर आवर स्किन और हमको वो यूज़ नहीं करना चाहिए. यू नो केमिकल्स आर नेवर गुड फॉर आवर स्किन. सो जितना भी हो सके हमें केमिकल्स को अवॉइड ही करना चाहिए. ओके, सो दिस वॉज इट एंड होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू गाइज. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, इसका रिव्यू, इसकी क्वालिटी चेक, इसकी पैकेजिंग, सब कुछ तो आप लोगों ने देख ही लिया है. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल.